नमस्कार दोस्तों। तो ये घटना चक्र का जो टेस्ट सीरीज आया था, हम लोग 5 सेट कर लिए थे जो कि ऑफलाइन अवेलेबल था वो सेट। अब सेट नंबर 6 है, ये ऑनलाइन दिए हैं। जब बुक आप खरीदेंगे, जब इनका टेस्ट खरीदेंगे आप, तो उसमें दिए हैं, कूपन कोड भी दिए हैं, तो उससे आप ले सकते हैं। खैर, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे सीधे। इसमें बहुत एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जो 5 सेट किए हैं वही 5ों सेट का लगभग सार है, ये समरी होगा। तो आइए सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। सेट नंबर 6 है ये, बाकी इंस्ट्रक्शन एकदम देख लीजिएगा। कुछ चीजों को हमने पहले नोट कर दिया है, बाकी बहुत ज्यादा नोट नहीं किए हैं जहां मुझे लगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपके लिए करंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDGs के तहत जो है 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? नहीं, यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है पृथ्वी से परे जीवन की खोज जो है ये नहीं है लक्ष्य, बाकी स्वच्छ जल और स्वच्छता तो है ही। SDG नंबर 6 है ये, सभी के लिए न्याय तक पहुंच भी है SDG 16 है, अलैंगिक समानता जो है SDG 5 है। हो सकता है बहुत लोगों को ना पता है, लेकिन टोटल जो है 17 है और UN द्वारा जो है 2030 तक लक्ष्य प्राप्ति रखा गया है। ये लैंगिक समानता वाला जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COVID-19 के नए वेरिएंट JN1 का प्रसार तेजी से हो रहा था, और ये मामला जब आया था आपको पता है कि ये हाईलाइट हुआ था उधर भी जनवरी के मंथ में। इस वेरिएंट का सबसे पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया? तो अगस्त 2023 में पहला मामला जब ये दर्ज किया गया, लग्जमबर्ग में। WHO वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, सॉरी ये जनवरी हमने बोला था, दिसंबर के मंथ में यहाँ आपके जो है चल रहा था, केरल में पहला मामला आया था जब इसका, तब ये जो है था। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट किसने घोषित किया है? तो WHO ने घोषित किया है इसका नाम, JN1 का प्रसार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा कथन सत्य है? उच्चतर अक्षांशों की तुलना में, देखिए अक्षांश आप बना लिया कीजिए, अक्षांश रेखा तुरंत 0 डिग्री से ऊपर नीचे, यही बात हो रही है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता कम होती है, तो ये तो गलत है, अधिक होती है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। जैव विविधता प्रवणता तापमान पर निर्भर नहीं करती है, जो लिखा है यहाँ पर ये गलत है, तापमान पर निर्भर करती है, तो केवल यहाँ पर दूसरा सही है। अब ये सब आसान क्वेश्चन है, आप इत्मीनान से पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको आ जाएगा। अब देखिए ये भी रिपीटेड ही है, निम्नलिखित पादों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, शकरकंद का तना नहीं है, ठीक, बाकी गन्ना, आलू, अदरक ये सब तना है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है? हो सकता है बहुत लोग कहें आलू का जो है तना कैसे होगा, तो आलू नीचे होता है, इसका मतलब ये जड़ नहीं है, तना ही है, तना हम लोग खाते हैं इसका, अदरक का भी खाते हैं और गन्ना का तो जान ही रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है, बाकी महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। सैंडल पीक का नाम अक्सर आप सुनते होंगे राष्ट्रीय उद्यान का, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, और सुभाष चंद्र बोस के नाम पे भी है एक वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के, तो अल्फा अल्फा है, सुमिलित है। विटामिन डी की बात करते हैं तो यकृत तेल, कार्ड वाला। अब विटामिन ई की जब बात करते हैं तो गेहूं, भ्रूण तेल, और विटामिन सी नींबू, तो यह सुमिलित है, यहाँ देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है, कह रहा है, तो समस्टकोट झील जो है केरल में है, कोलेरू, काबरताल और नंदा ये भी झील है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंटिक आवास के अंतर्गत नहीं है? लैंटिक आवास के अंतर्गत नदी नहीं आती है, बाकी तालाब, आर्द्रभूमि और झील ये तीनों आते हैं लैंटिक आवास में।
कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में जूट किसानों की सुविधा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो पाट मित्रों नाम है इसका, ये ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है, जूट से संबंधित है, इसको ये जरूर ध्यान दीजिएगा, जूट किसानों के लिए है। समुद्री घास खरपतवार जिसे बोलते हैं, निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का ये जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज जा रहा हो, क्योंकि अभी ये दोपहर को वीडियो बना रहा हूं इसीलिए। हॉटस्पॉट शब्द जो है असत्य कथन कह रहा है, तो हॉटस्पॉट शब्द का वाल्टर जी रोशन ने प्रयोग किया है, तो ये गलत हो जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो ये गलत है, केवल वाले अक्सर गलत ही रहते हैं, तो दोनों यहाँ पर देखेंगे गलत ही है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम, प्रतिशत की बात कर रहा है तो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश मत कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? फाइटोप्लैंक्टन खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं, तो ये तो सही है, फाइटोप्लैंक्टन जो आपके घास फूस होते हैं यही सब। फाइटोप्लैंक्टन अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा निर्मित नहीं करते हैं, यहाँ जो लिखा है यही गलत हो जाता है। पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो केवल पहला यहाँ पर सत्य है, तो ये लोग फाइटोप्लैंक्टन अपना भोजन जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही निर्मित करते हैं। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, तो कहाँ कहाँ होती है? मुंबई में होती है, कोलकाता में, हैदराबाद में, नोएडा में होती है, सिक्कों की ढलाई की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है, यहाँ पर सत्य नहीं है, तो गेरुई गेहूं में पाई जाने वाली रोग है, तो ये सही है, अगैती झुलसा आलू का रोग है ये। झूठ कंड फाल्स स्मट जो लिखा है, जौ में पाया जाने वाला रोग है, ये गलत हो जाता है। खैरा जो है धान में पाया जाने वाला रोग है, ये सही है। देखिए रोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लगातार देखेंगे, खासकर किसी सेक्टर में जो बात होती है, कुछ चीजें ही फिक्स है यहाँ पर, इसीलिए बता रहे हैं। कुछ जैसे है, जैसे आपका गेहूं का पूछ लेता है, धान का अक्सर पूछता है, आलू का, तो ये सब पूछता है। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? जैव उर्वरक के रूप में नाशटैग का प्रयोग किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, एनाबीना का भी प्रयोग किया जाता है, जैव उर्वरक की बात कर रहा है इसीलिए, नीम लेपित यूरिया नहीं है। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी जिसका हाल ही में निधन हो गया है, के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करना है? इसमें असत्य कथन पहचानना है हमें, तो उन्होंने जो है डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, इन्होंने वर्ष 1971 में वार विंडोज एसोसिएशन की स्थापना की है, तो ये सही है यहाँ पर। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति बीवी गिरी की पुत्रवधू थी, ये भी सही है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की दूसरी अध्यक्ष रही है, ये भी सही है। बाकी 2007 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये गलत है। परिणामात्मक शाख नियंत्रण की विधि में शामिल है, तो देखा जाए बैंक दर भी शामिल है, परिवर्तनशील कोष जिसे चर आरक्षित अनुपात बोलते हैं, खुली बाजार कार्यवाही और सीमांत स्थायी सुविधा दर भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैप जिसे बोलते हैं, की शुरुआत पूछ रहा है, कब किया गया था? तो 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है, ठीक है, उसके बाद आपका भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि ये बाद में आता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कथन रीजन एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक घातक वायु प्रदूषक है, तो ये तो सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से रक्त में घुल जाती है, ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होती है? तो कोयला दहन की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ये तीनों सही हैं जो कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो ये अनुच्छेद 39A की बात करते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। और 40 की बात करते हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन है। और 44 की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता है। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में 48 किससे संबंधित है, जो कि यहाँ गलत दिया गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण की बात करते हैं, ये भी आप आर्टिकल बताएंगे कौन सा है। ये सब देखिए पहले डिस्कशन किया जा चुका है। जैव मंडल रिजर्व है और अवस्थिति है। डिब्रू सैखोवा की बात करते हैं, तो हम लोग असम से चल देंगे, सुमेलित कर देते हैं। अचानक अमरकंटक की बात जब करते हैं तो आप छत्तीसगढ़ से सुमेलित कर दीजिए। मन्नार की खाड़ी आप जब जाएंगे तो तमिलनाडु चले जाएंगे। और पन्ना तो फेमस है ही मध्य प्रदेश का, तो आप देख लीजिए यहीं से। आप चाहते तो पन्ना, अगर आपको पता है मध्य प्रदेश में है जैव मंडल रिजर्व है, तो ये यहीं से निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य ऐसे कंपनियों के शेयर से है जिनकी विस्तृत उत्पाद श्रृंखला हो, उच्च प्रबंधन हो, शेयरों पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। देखिए सबसे पहले आप टर्म को समझते चलिएगा। विश्वसनीय है, प्रतिभूति है, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसका देखेंगे जो उत्पाद श्रृंखला हो वो विस्तृत हो, ठीक है, और मैनेजमेंट उसका सही हो, और जो उसका शेयर पर लागत है उचित दर का लाभ प्राप्त हो, तभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर, ठीक है। तो सिक्योरिटी देता है तभी जो है, ये देखा जाए तो चारों सही था इसमें। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली सेनिन्स पलासियोस किस देश की है, तो निकारागुआ की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन भी है, लगभग सभी को पता होगा निकारागुआ की है ये। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, सेनिन्स पलासियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये इंपॉर्टेंट अपने आप में इसलिए है क्योंकि यूपी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से मुख्यतः किस जिले में रटौल आम का उत्पादन किया जाता है, तो बागपत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है, तो किशनपुर वन्यजीव बिहार बिहार जो दिया है, यहाँ बहराइच ये गलत हो जाता है, बाकी चंद्रप्रभा चंदौली, कछुआ वन्यजीव बिहार वाराणसी और सुहागी बरवा वन्यजीव बिहार की बात करते हैं तो महाराजगंज सुमेलित है। सुहागी वाला याद रखिएगा, बाकी सब आप जान रहे होंगे। विषय है और सूची है, वन की बात करते हैं तो समवर्ती सूची में शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये गलत है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही जो है सुमेलित नहीं है। डाकघर बचत की बात करते हैं तो संघीय सूची है, और जन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो राज्य सूची है। ये संघीय सूची कर लीजिएगा आप, संघीय सूची का विषय है शेयर बाजार। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 अवधि में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता अनुपात वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता अनुपात वाला जिला पूछ रहा है, तो गाजियाबाद है, ठीक है। श्री अन्न पर बने गीत एबंडेंस इन मिलेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये करंट का क्वेश्चन है तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलेट्स पे है, एबंडेंस इन मिलेट्स को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में नामित किया गया है, तो ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे दो लोग गाए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियां या जनजाति समूह का प्रदेश में उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम में लगाना है, जनजातियों को लगाना है, तो गोंड खरवार और थारू की बात होती है, अवरोही क्रम में लगाना था, घटते क्रम बोलते हैं इसे। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित से किस अवधि से सम्मिलित है, तो 2019 से 29 तक, 10 साल का है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में नए सही नहीं है, तो देखिए जो सही है पहले तो उसको आप जानते रहिए। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो यह बिल्कुल सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, बिल्कुल सही है ये। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये तीनों ऑप्शन सही है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। तो आप, ये आसान क्वेश्चन है, देखिए ये सब लेंदी क्वेश्चन में आते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ प्रेशर रहता है अलग से, तो
तो इसीलिए पढ़ने में ही आपको टाइम लगता है। तो यहीं पर ही पता चल रहा है कि पहली अनुसूची दिया है, तो पहली अनुसूची आप जान रहे हैं, चौथी अनुसूची के बारे में वहीं पर आप कंफ्यूज हो गए। तो लेकिन है ऐसा प्रावधान, तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए ये सब चीजें। क्वेश्चन करने का यही फायदा होता है कि मान लीजिए पहली अनुसूची के बारे में पता था, चौथी के नहीं पता था, तो आप जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष भालचंद शुक्ला, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति मुंतजा हुसैन, ये गलत हो जाते हैं, ये सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात होगी तो न्यायमूर्ति एपी मिश्रा थे, और उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे न्यायमूर्ति एम ए खान थे ये। फिर से देख लीजिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे भालचंद्र शुक्ल थे, और राज्य मानवाधिकार के आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे एपी मिश्रा, और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे एम ए खान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्यूएस वर्ल्ड एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में भारत के कुल कितने उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है? तो 148 को शामिल किया गया है। वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित देशों में से भारत के निर्यात का सबसे बड़ा जो भाग है मूल्य में भेजा गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजा गया है। क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा फास्ट कर रहे हैं कि पूरा सोच रहे हैं कि टेस्ट सीरीज हो जाए इसी में एक वीडियो में। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करना है, हम इसको जो है ग्रुप में दे देंगे, इसका आंसर भी है साथ में, तो आप वहीं से देख लीजिएगा। आंसर भी आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी तो वहीं से देख लीजिएगा, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी फिर भी बता रहे हैं। परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। तुंगभद्रा, भीमा, दूध, गंगा, कृष्णा की सहायक नदियां हैं, और कृष्णा नदी का बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। तो इसमें कह रहा है सही उत्तर का चुनाव करना है, तो देखा जाए दोनों सही है, यहाँ पर ऑप्शन ये दोनों सही था। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है मूल अधिकार ऐसा है जो विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, बाकी विधि के समक्ष समानता प्राप्त है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी प्राप्त है इन्हें, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उस्मान सागर झील जो है आंध्र प्रदेश जो यहाँ पर लिखा है ये गलत हो जाता है, बाकी चपनाला झील असम में है, सेला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और उदय सागर झील जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही उत्तर चुनना है। भारत में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वो राजस्थान है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत में संगमरमर के सर्वाधिक भंडार क्रमशः राजस्थान और जम्मू कश्मीर में केंद्रित है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है। तो तारापोर समिति यहाँ पर जो है पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सही है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये गलत हो जाता है। कह रहा है कौन सा सही है, तो ये केवल पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग फसल दिया है और सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य बता रहा है, तो बाजरा सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है? ये तो मध्य प्रदेश में होता है। दाल से दलहन के संबंध में मध्य प्रदेश आगे है, ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। मक्का की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल चलेंगे, और पश्चिम बंगाल जो है चावल में भी है, इसको ध्यान में रखिएगा, चावल में भी है। दाल फिर कह रहा है, दाल स्पेशली दाल की बात कर रहा है, तो ये गुजरात से संबंधित बता रहे हैं। मूंगफली की बात करते हैं हम लोग तो मूंगफली जो है तमिलनाडु में है, और दूध की बात अगर आएगी, आलू की बात आएगी, गन्ना की बात आएगी अगर, तो ये आपका यूपी का नाम आ जाता है, यूपी का। मांस में भी जो है यूपी फर्स्ट पे है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत में ऊन का सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है, यह है राजस्थान, और सेकंड रैंक पे आप जान लीजिए कि जम्मू और कश्मीर है, राजस्थान फर्स्ट पे है, ऊन के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है, तो जो साक्षरता की बात हो रही है 1991 से 2001 के मध्य जो है सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई थी इसमें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये मत सोचिए कि ऐसे ही पूछा गया है, साक्षरता की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी एशिया प्रशांत 2024 क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में है, भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वही पहचान करना है, सही उत्तर का चयन करना है। 2015-16 से और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी का हिस्सा 25% से गिरकर 20% रह गई है, तो ये गलत है। भारत में 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर जो है $2389 हो गई है, तो दूसरा ऑप्शन क्या सही है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी एग्जामिनर पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा 442 से बढ़ के, क्योंकि उसे ये भी दिखाना है कि गवर्नमेंट की जो जो कुछ चीजें प्रोग्राम है वो सब भी तो देखना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पे इफेक्ट तो गवर्नमेंट की होती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, संशोधन दिया है सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन हुआ तो 38वें संशोधन में हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था जब, ये 44 नंबर का जब हुआ था संशोधन उसमें हटाया गया। मताधिकार की आयु 31 से 18 जब किया गया तो 61वें संविधान संशोधन में किया गया था। उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता शब्द का जोड़ा जाना ये 42वें संविधान संशोधन में हुआ था, ये लगभग सभी को पता है, तो देख लीजिए आप, यहीं से सी ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित है? तो नल्ला माला पहाड़ियां की बात होगी तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य स्थित है, तो इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है ना पता हो लेकिन फिर भी याद रखिएगा। अन्नामलाई पहाड़ी की बात करते हैं तो केरल और तमिलनाडु के मध्य है, और नीलगिरी पहाड़ियां जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो यही दे दिया, 1, 2, 3 करके दिया था, यहीं पर पूछ लेता कि कितने सही हैं इसमें से, 1 लिख देता, 2 लिख देता, 3 लिख देता और फिर कोई नहीं लिख दे देता यहीं पर। तो आपको यहाँ पर एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए तभी आप 3 पे जाते। अब पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर किया है तो ये तो चलिए क्वेश्चन, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आया था आप देखेंगे आरओ में तो ऐसे ही बना था। नल्लामाला पहाड़ी की बात होगी तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य है, और अन्नामलाई पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के मध्य है, नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिए, इस टाइप के मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इसमें, और ये सब आसान है, ये मत सोचिए कि बहुत कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए शिखर दिया है और भारत के राज्य दिया है। नंदा देवी की बात जब हम लोग करते हैं तो उत्तराखंड सीधे चलते हैं, कंचनजंगा की जब बात करते हैं तो सिक्किम जाएंगे, गुरु शिखर पर्वत की बात करते हैं ये राजस्थान का है, और गौर लाटा की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में है। ये गुरु शिखर जो है आपका बहुत फेमस है, ये राजस्थान का है, आप गुरु शिखर से निकाल सकते थे ये, वैसे यहां से ऑप्शन बी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो कॉपर की बात जो कर रहे हैं सिनेबार, तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी एल्युमिनियम बॉक्साइट है, जिंक कैलामाइन और आयरन हेमेटाइट सही है। सिनेबार आप बताइए किसका है, ठीक है सिनेबार कमेंट बॉक्स में। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया था पहले, जो सफल सूती वस्त्र का पहला है भारत का, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना से संबंधित है। यौन उत्पाद, यौन अनुपात 2011, सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वाले राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है, केरल है, लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में। रुकिए हम लिख दे रहे हैं, सेक्स सेक्स रेशियो केरल में सर्वाधिक है, पुदुचेरी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है फिर, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो कथन दिए गए हैं, तीन कथन दिए हैं, तो इसमें सही कथन का पता लगाना। महात्मा बुद्ध कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे तो ये गलत हो जाता है। वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे तो ये भी गलत है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अचार है, खट्टा दूध है, सेब है, शीतल पेय है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, हो सकता है वाइस शायद बीच में गड़बड़ हो गया था। सूची फर्स्ट की बात करते हैं, सूची सेकंड। अचार की बात करते हैं, एस्टिक अम्ल से संबंधित। आप यहाँ से निकाल सकते हैं सेब जो है मैलिक एसिड से संबंधित है, सी का चौथा आप कर सकते थे। खट्टा दूध हमेशा पढ़ते हैं, लैक्टिक अम्ल से संबंधित है। शीतल पेय की बात करते हैं तो कार्बोनिक अम्ल जो आप पीते हैं कभी कभी, वो बोतल में छोटा सा रहता है, वही है कार्बोनिक अम्ल। अचार की बात करते हैं तो एस्टिकम यहाँ पर सही है, सुमेरिक है। तो एक का दूसरा यही है जी। वैष्णो मंदिर की बात करते हैं, स्थान है द्वारकाधीश मंदिर की बात होगी, तो द्वारका गुजरात में है। अभी मोदी जी गए भी थे तैरने, उसमें पूजा कर रहे थे। और विष्णु मंदिर की जब बात होगी आपके, तो ये आपका एरर मध्य प्रदेश में है। जगन्नाथ मंदिर की जब बात होगी तो पुरी जाएंगे हम लोग, उड़ीसा। दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा कथन सही है। बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से यह पता चलता है कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था, तो ये गलत हो जाता है। हेलियोडोरस साकल का निवासी था, तो ये सॉरी, यहाँ पर केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन केवल यहाँ पर पहला सही है, बिसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से यह पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में सर्वाधिक नगरीकृत की बात होगी तो तमिलनाडु में। कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो ईरान से नहीं गुजरती, मिस्र से गुजरती है, भारत से, म्यांमार से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर है और प्रतीक चिन्ह है इसमें। अजित नाथ की बात करते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। नेमी नाथ की बात जब करते हैं तो शंख, और नमी नाथ की बात जब करेंगे तो नीलकमल है, और पद्म प्रभु की बात करते हैं कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इजराइल की साझी सीमाएं हैं, लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से, या मिस्र से है। भारतीय नगर है और प्राचीन नाम, पाटलिपुत्र बहुत फेमस भी है। आप सॉरी, पाटलिपुत्र आप जाएंगे कुसुमपुर, और जो वत्स की बात किए थे कौशाम्बी वाला है, इलाहाबाद के बगल है। चंपा की जब बात करते हैं तो मालिनी, और कन्नौज की बात करें तो कान्यकुब्ज। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत, तो वंशागत की लयमार्क दिए थे। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं यह कह रहा है, तो गेड्रोसिया जो है बलूचिस्तान क्षेत्र सही है, अराकेसिया कंधार, और एरिया जो है हेरात सही है, पारोप मिसादे जो है लाहौर नहीं है। भारत में किसी वित्त प्रदान करने में योगदान के संदर्भ में 2021 से 22 हेतु आरोही क्रम लगाना है, तो क्षेत्रीय बढ़ते क्रम में सबसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, तो सर्वाधिक जो है वाणिज्यिक बैंक। वैज्ञानिक है और आविष्कारक है, अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट, इन्हीं के नाम पे जो जो है वो मिलता है नोबेल प्राइज। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करते हैं तो पेंसिलिन की बात करते हैं, हम लोग सबसे पहले पेंसिलिन खोजे थे। चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं तो विकास का सिद्धांत देते हैं, और मैडम क्यूरी रेडियम का पृथक्करण की बात करते हैं।
निम्नलिखित कथनों में मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है कह रहा है, तो रक्षित नहीं है और महेंद्र नहीं है यहाँ पर, बाकी कुल्लू भट्ट और मेधा तिथि ये दोनों लोग हैं टीकाकार। ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ये तो चलिए यहाँ पर आसानी से दे दिया है, लेकिन वैसे देता है कि कालानुक्रम में लगाने के लिए। प्रमुख युद्ध है और वर्ष है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कह रहा है तो 1556 चले जाएंगे, कन्नौज का युद्ध कहता है 1540, चौसा का युद्ध जब होगा तो 1539, और सरहिंद का युद्ध होगा 1555। तो आप देख लीजिए यही सुमेलित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और देश है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बने हैं और बनते रहेंगे, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिली बिली ये बहुत फेमस है कि ऑस्ट्रेलिया से है संबंधित। हरिकेन जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से है। टाइफून या टाइफू जिसे बोलते हैं ये जापान और चीन के उसमें है, चीन और जापान। अब बागियो या बैगुओ की बात करते हैं तो फिलीपींस। तो आप यहां से सुमेलित कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बनेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन गलत होने भी नहीं चाहिए, हो गया तो दिक्कत हो जाता है। कौन सा कथन सही है, बाबर ने बाबर नामा की रचना फारसी भाषा में की थी, गलत है। मुगल दरबार की राजभाषा फारसी थी, ये सही है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था, तो ये सही है। मीर बाकी मुगल बादशाह हुमायूं का सेनानायक था, तो ये गलत हो जाता है। पूछ रहा कौन सा सही है, तो यही सही है, दूसरा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मृग मरीचिका या मृग तृष्णा का कारक क्या है, जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अकबर के प्रमुख कार्य बताना है और वर्ष बताना है। अब ये सब जब आप लूसेंट पढ़ेंगे ना तो सीधे सीधे आप बॉक्स में पा जाएंगे, तो क्वेश्चन यहीं से आता भी है, हमेशा देखा गया है, ये बॉक्स आपको याद रखना है। अकबर के जो प्रमुख कार्य है वर्ष है, दीन ए इलाही का प्रवर्तन की जब बात होगी तो 1582 दिए हैं, आयने दहसाला की शुरुआत की बात करते हैं तो 1580, और महज महजर नामा की घोषणा की बात होगी तो 1579, और इबादत खाना की स्थापना 1575, ये आप लोग को लगभग पता ही होगा इबादत खाना, और दीन ए इलाही वाला पता होगा 1582 का, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा कथन सत्य है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तो ये तो गलत हो जाता है। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ये देखिए, पान खा के चंगा, ठीक है, तो ये बाबर का युद्ध है सब। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, और 26 से लेकर 30 तक का है, 26 27 28 26 27 29 है, 29 30, ये चंगा, ये चंदेरी वाला, यही है 29 वाला, देखे पान खा के चंगा, खैर 26 27 28 30। पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526, खानवा का युद्ध 1527 हो जाता है, घाघरा का युद्ध जो है 1529 हो जाता है, ठीक है 29, और चंदेरी का युद्ध जो है 1530 जो दिया है ये गलत हो जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर नहीं करती है, ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन करती हैं। ध्वनि की तरंगे निर्वात में गमन तो नहीं करती हैं बिल्कुल, और ध्वनि की चाल तापमान पर तो निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, तो ये गलत है। ध्वनि की चाल जो है तापमान पर, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से ध्वनि की चाल के में भी परिवर्तन आता रहता है, तो यहाँ पर देखा जाए ना तो पहला ना तो दूसरा। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। जियाउद्दीन बरनी की बात करते हैं हम लोग, और इसमें जियाउद्दीन बरनी जो है तारीख है फिरोज शाही सुमेरी थे। हसन निजामी की बात करेंगे तो ताजुल मासिर, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले उसमें आया हुआ है टेस्ट सीरीज में। मिनहाज उच सिराज की बात करते हैं तो तबकात ए नासिरी, और याहिया बिन अहमद की बात करेंगे तो तारीख है मुबारक शाही,
ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। साइबर हमलों के सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय ने, अभी आज ही मैंने सुबह उसमें किया है करंट अफेयर्स में, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में इंस्टॉल किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है ये माया ओएस नाम है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम संघर्ष से संबंधित घटना है, उसको सही क्रम में लगाना है। तो गांधी इरविन समझौता होगा, उसके बाद भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। फिर आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होगा, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तो आप देख लीजिए, यही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूट का उपयोग करना है, कार्य आवेग और क्या है इसमें, ज्योति तीव्रता और चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए कार्य का तो जूल कर लीजिएगा, ठीक है, और ज्योति तीव्रता का जो है यहीं पर कर दे रहे हैं, ज्योति तीव्रता का जो आप लिखे थे तो वो कैंडला है। आवेग की बात करते हैं तो न्यूटन सेकंड है, यहाँ पर लिखा है न्यूटन सेकंड, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स वेबर हो जाता है। तो देख लीजिए ये सुमेलित होगा आपका, ये SI यूनिट है इसका सब। ये साइंस से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, ये मत सोचिए कि साइंस का क्वेश्चन नहीं बनता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। जल तरंगों के श्रृंग पर जलकण तरंग दिशा के से पीछे की ओर संचलन करते हैं, तो ये गलत है। जल तरंगों के गर्त पर, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता है, गर्त की बात कर रहा है, जलकण तरंग के चलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो ये गलत है, आगे नहीं बढ़ते। तो ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में जब विलय किया गया था तो कह रहा कौन से उसमें किया गया, तो अवध का तो आपको पता है कुप्रशासन का आरोप लगा दिए थे, कुप्रशासन के आरोप के कारण उसको विलय कर लिए थे। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने बताया कि अभी तक हम लोगों ने चक्रवात के बारे में देखा था ऊपर, और अब ये जो है धारा है। तो आइए देखते हैं सही युग्म की पहचान करना। कनारी धारा प्रशांत महासागर दिया है तो गलत हो जाता है, और क्यूराइल धारा अटलांटिक महासागर दिया है गलत हो जाएगा, लेकिन अगल हुआस धारा जो है हिंद महासागर है, ये सुमेलित है, और ये जो है PCS का आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ में, PYQ का क्वेश्चन है ये, अगल हुआस धारा हिंद महासागर, यही क्वेश्चन ही है, केवल यहाँ पर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, महासागरीय खाई है, महासागरीय खाइयां हैं और अवस्थिति है। डायमेंटिना की बात अगर करते हैं तो हिंद महासागर में क्यूरिल, क्यूरिल जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में है, और कर्मा डेक की बात करेंगे हम लोग तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में, साउथ सैंडविच अटलांटिक महासागर में, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, त्रिवाथा का जलवायु वर्गीकरण के बारे में है, इन्होंने विश्व के जलवायु को चार बड़े जलवायु समूह में बांटा है, तो ये गलत हो जाता है। इनमें से ए तथा सी तापमान पर आधारित है, जबकि बी और डी वर्षा पर आधारित है, तो दोनों गलत है यहाँ पर, त्रिवाथा का नियम या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित को किसके शासनकाल उसके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करना था, तो माधव राव प्रथम, बाजीराव विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम और बाजीराव बालाजी बाजीराव, चार नाम दिए हैं, तो काला क्रम में लगाना है इसको, तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ का नाम आएगा, उसके बाद फिर आएगा आपका बाजीराव प्रथम का नाम, फिर आपका आता है बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव प्रथम, तो यहाँ सी ऑप्शन सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, समाचार पत्र दिया है, आरंभ करने वाला प्रकाशक है, लीडर की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय है, ये फेमस भी है। बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करेंगे तो फिरोज शाह मेहता, और इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू, और जस्टिस की बात करते हैं तो TS नायर, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सुमेलित है। ये इंडिपेंडेंट आपको पता ही होगा मोतीलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है, सहारा तथा थार उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण है, सहारा तथा थार उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण है, और गोबी
और पेंटागोनिया शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है, तो दोनों ऑप्शन सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमियम एस का सर्वाधिक, सही उत्तर का चयन करना है, क्रोमियम एस का सर्वाधिक उत्पादन जो है दक्षिण अफ्रीका में होता है, तो सही है। ब्रोमीन का सर्वाधिक इजराइल में दिया है, तो ये गलत हो जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो गोलार्ड टनल जो है स्विट्जरलैंड में है, सही सुमेलित वही है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये सही है। इस दौरान राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 का जो वितरण किया गया है उसमें राज्यों की श्रेणी ए में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो दोनों सही है ये। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जहाँ जिक्र आएगा तो वो उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुस्तक दिया है और लेखक दिया है, इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विथ पावर जो है सही सुमेलित है, नयनतारा सहगल है। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू।